हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं रिवर्स बायसिंग को। लास्ट क्लास में हमने फॉरवर्ड बायसिंग को सीखा था और हमने उसके जो करेक्टरिस्टिक्स जो कर्व है उनका भी डिस्कशन कर लिया था। आज की क्लास में भी बच्चों हम रिवर्स बायसिंग को इन की पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे और इसके एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने पर जो करेक्टरिस्टिक कर्व बनते हैं हम उनका भी स्टडी आज करेंगे। तो देखते हैं बच्चों रिवर्स बायसिंग अपने पास क्या होता है। तो बच्चों नोट्स बनाना आप स्टार्ट करें, ये की पॉइंट्स आप लिखें। तो देखते हैं किस तरीके से हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों रिवर्स बायसिंग की, कि रिवर्स बायसिंग कैसे हम कनेक्ट करते हैं। तो हम पहले इसका बनाते हैं बच्चों ब्लॉक डायग्राम। हम पहले यहाँ बना रहे हैं इसका ब्लॉक डायग्राम हम बना रहे हैं। पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम डायोड बनाते हैं और हमें पता है कि डायोड में यहाँ पी टाइप और यहाँ एन टाइप, ये पी टाइप और यहाँ एन टाइप, ये पी टाइप है अपने पास में और ये है अपने पास में एन टाइप। अब ये पता है हमें बच्चों पी टाइप में मेजोरिटीज में होल्स प्रेजेंट रहते हैं, मेजोरिटीज में होल प्रेजेंस रहते हैं और एन टाइप में मेजोरिटीज में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स या प्रेजेंट है अपने पास में। माइनॉरिटी में पी टाइप में यहां इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और यहां होल्स रहते हैं, ठीक है। अब यहां हमने ये भी पढ़ लिया था बच्चों कि यहां पर हम बात करें कि यहां नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज की एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है। ये हमने इस तरीके से पढ़ा था भाई, यहां एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है अपने पास में। जब हम पी एन जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं तो यह डिप्लेशन लेयर बनने का प्रोसेस मैंने समझा रखा है और इस डिप्लेशन लेयर की वजह से यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने पास आता है और ये जो पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप होता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जिसको हम पी बी पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। ये पोटेंशियल बैरियर बच्चों ये जो मेजोरिटीज वाले जो चार्ज है एन में इलेक्ट्रॉन्स और पी में होल्स को एक दूसरे की साइड जाने से रोकता है, जिसको मैं लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ। पी एन जंक्शन के फॉर्मेशन में हम डिस्कस इसको कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे इसका फॉल्स कनेक्शन, यानी हम किस तरीके से इसको कनेक्ट करते हैं या रिवर्स बायसिंग में। तो रिवर्स बायसिंग में बच्चों कनेक्ट करने के लिए हम पी को देखो पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करते हैं। हम पी को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे टर्मिनल के और ये एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। तो ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, ये कनेक्शन हो चुका है, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हमने कर दिया है। अब कनेक्ट करने के बाद में इसमें क्या प्रोसेस अपने पास दिखाई दे रहा है हम उसका स्टडी करते हैं बच्चों। या तो यहां हमने क्या देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस पॉजिटिव नेगेटिव जो हमने यहाँ एक्सटर्नल सेल या बैटरी कनेक्ट कर रखा है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में रहेगा। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ ले लेते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिप्लेशन लेयर में अपने पास प्रोड्यूस हो रहा है और ये सेल और बैटरी कनेक्ट करने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है दोनों का डायरेक्शन सेम है अपने पास में। सपोज बच्चों दोनों का डायरेक्शन सेम होने से क्या रिजल्ट निकलेगा, सपोज बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलाम है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी अपने पास में 10 न्यूटन पर कूलाम है। तो हम ये देखेंगे कि दोनों का डायरेक्शन यहाँ सेम है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो रिजल्टेंट यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एड करने पर आएगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो 20 न्यूटन पर कूलाम आएगा। इसका मीन हुआ कि बच्चों यहाँ
जो आप इसको फॉरवर्ड बायसिंग करते थे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में क्या होता था, डिक्रीज होता था। बट यहाँ रिवर्स बायसिंग में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने पास इंक्रीज हो रहा है। अब रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है तो देखो इससे क्या इफेक्ट अपने पास पड़ता है। तो देखो हमने सेकंड पॉइंट का स्टडी कर लिया है कि हमने यह इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा है और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यह इंक्रीज हो रहा है अपने पास में। अब उससे पोटेंशियल बैरियर किस तरीके से अपने पास इंक्रीज हुआ उसका हम स्टडी करते हैं। जैसे हम बात करें कि बच्चों इनिशियली ये पोटेंशियल बैरियर इस तरीके से बना हुआ है। एक मिनट में थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें बच्चों, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं हम। तो यह एक्स-रे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था, अब यह पोटेंशियल बैरियर है बच्चों अपने पास में, ठीक है, ये पोटेंशियल बैरियर है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो हमें पता है कि बच्चों वीक वस्तु क्या होता है, ईडी होता है। तो ई यह इंक्रीज हुआ है तो ये जो बैरियर पोटेंशियल है या जो ये पोटेंशियल बैरियर है वो भी अपने पास इंक्रीज होगा। अब वो जो इंक्रीज होगा क्योंकि बच्चों यहाँ पोटेंशियल बैरियर जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को, एन टाइप के मेजोरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स को और पी टाइप के मेजोरिटी वाले होल्स को एक दूसरे की साइड में जाने से रोकता है। यानी ये पोटेंशियल बैरियर क्या करता है बच्चों, अपोज करता है। हम लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कशन इसको कर भी चुके थे। तो ये पोटेंशियल बैरियर इनको अपोज कर रहा था, लेकिन अब हुआ क्या, अब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा इंक्रीज हुआ। और ज़्यादा इंक्रीज होने से क्या हुआ कि जैसे मान लो बच्चों पहले इस तरीके से अपने पास वेरी कर रहा था पोटेंशियल, अब क्या हुआ कि ये जो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से ये जो डिप्लेशन लेयर है बच्चों, इस डिप्लेशन लेयर का साइज और ज़्यादा अपने पास इंक्रीज होने लगेगा और ज़्यादा इंक्रीज होने लगेगा। तो इस तरीके से अपने पास में ये पोटेंशियल क्या करेगा, वेरी करेगा। यानी हम यहाँ अब ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने से ये पोटेंशियल बैरियर और ज़्यादा इंक्रीज हुआ। और ज़्यादा इंक्रीज होगा तो बच्चे मेजोरिटी वाले जो चार्जेस इन दोनों के पास में है ये उनको और ज़्यादा अपोज करेगा। और ज़्यादा यदि अपोज करेगा तो बच्चे हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करवाने के लिए यहाँ बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होगा जो नहीं मिल पाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि यह पोटेंशियल बैरियर अपने पास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पहले इतना ही था, अब और ज़्यादा इंक्रीज होने लग चुका है। तो ये और ज़्यादा मेजोरिटी वाले चार्जेस को क्या कर रहा है बच्चों, अपोज कर रहा है। तो यह मेजोरिटी वाले जो चार्जेस है वो यहाँ इस डिप्लेशन लेयर के पास नहीं जा पा रहे हैं। इस वजह से मेजोरिटी वाले चार्जेस की वजह से इसमें करंट का फ्लो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। चलो हमने बात कर ली यहाँ तक। तो हमने ये देखो ये भी बात कर ली कि मोर एक्सटर्नल वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट करंट। यानी यदि हमें ये मेजोरिटी वाले चार्जेज यहाँ भेजने हो तो यहाँ बहुत सारे वोल्टेज की रिक्वायरमेंट अपने पास रहेगी। अब हम बात करें कि यहाँ यदि हमारे पास मेजोरिटी वाले चार्जेस नहीं जा रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है। तो बच्चों यहाँ देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एन से कनेक्ट है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पी से कनेक्ट है। अब हम देख रहे हैं कि इस एन टाइप में अपने पास में मेजोरिटी वाले तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन माइनॉरिटी वाले बच्चों क्या, होल है। यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज आया और इन होल्स को क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा, इन होल्स को दूर भेजेगा अपने पास में। इधर से बच्चों नेगेटिव चार्ज आया और ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा यानी दूर भेजेगा, ठीक है। या हम इसको दूसरी तरीके से और भी समझ सकते हैं कि ये, चलो हमने क्या यहाँ तक बात समझ में आई कि अभी पॉजिटिव चार्ज है इन होल्स को रिपेल कर रहा है,
ये नेगेटिव जो अपने पास पोटेंशियल है वो इन्हें इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। यानी पॉजिटिव पोटेंशियल होल्स को, एन टाइप के होल्स को, और नेगेटिव या पी टाइप के होल्स को रिपेल कर रहा है। अब ये हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, यानी ये नेगेटिव चार्जेस है बच्चों माइनॉरिटीज में। ये कैसे चार्जेस है बच्चों? पॉजिटिव चार्जेस है। तो ये नेगेटिव बच्चों इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहा है, इन पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये पॉजिटिव इन नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रहे हैं। यानी हम यहां देख रहे हैं कि मेजोरिटी वाले चार्जेस तो डिप्लेशन लेयर की साइड मोशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये माइनॉरिटीज वाले जो चार्ज है बच्चों इस डिप्लेशन लेयर की साइड मोशन करते हैं। अब ये जब डिप्लेशन लेयर की साइड में मोशन करेंगे और डिप्लेशन लेयर को यदि अपने पास से क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर बच्चों करंट का फ्लो होगा, जो बहुत कम करंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज वाले चार्ज है बच्चों वो बहुत कम अमाउंट में रहते हैं। इस वजह से यहाँ पर बहुत कम चार्ज का अपने पास में फ्लो हो रहा है, एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है, इस वजह से बहुत कम करंट का यहाँ फ्लो हो रहा है, और वो करंट भी यहाँ माइनॉरिटीज वाले चार्ज की वजह से हो रहा है। इस करंट का मेजरमेंट यानी हमने लिख रखा है यहाँ जो बच्चों करंट फॉर्म होती है, बनती है, वो केवल माइनॉरिटी चार्ज के कैरियर्स, जो अपने पास चार्ज कैरियर्स है उनकी वजह से बनती है। सो पी टाइप में तो माइनॉरिटी में कौन होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एन टाइप में माइनॉरिटीज में कौन होते हैं? होल्स होते हैं। तो ये जो करंट बनता है बच्चों वो इतना कम करंट बनता है कि हम इसका मेजरमेंट किससे करते हैं? माइक्रो एमीटर की हेल्प से करते हैं। यानी इसमें बहुत कम करंट अपने पास प्राप्त होता है, जो भी माइनॉरिटीज वाले चार्ज की वजह से हो रहा है। तो बच्चों यहाँ तक अपने को बात समझ में आई है। अब हम देखते हैं कि जब हम इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं तो अपने पास में किस तरीके से रिजल्ट आता है। तो इसके लिए बच्चों मैं कर्व बनाता हूँ। तो यहाँ पहले इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। पहले हम यहाँ इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। देखिए यहाँ, अब ये अपने पास में बच्चों क्या है? ये पी एन जंक्शन है अपने पास में। इसमें करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यह रियोस्टेट हम लगा देते हैं। यहाँ रियोस्टेट हम लगा देते हैं। करंट यहाँ माइक्रो एमीटर से मेजर हो रही है। अब पी जो है ये आर एच हो गया, या जो पी है बच्चों ये नेगेटिव से कनेक्ट होगा, एन यहाँ पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। वोल्टेज का मेजरमेंट करने के लिए इसमें बच्चों वोल्ट मीटर लगाया जाता है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। ये वोल्टेज का मेजरमेंट करेगा। मैं मान लेता हूं कि बच्चों ये रिवर्स वोल्टेज है और जो करंट आ रहा है वो रिवर्स करंट अपने पास आ रहा है, जो नेगेटिव से पॉजिटिव रहेगा। ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो बच्चों ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव अपने पास रहेगा। तो ये इसका हो चुका सर्किट डायग्राम। अब हमें एक बार आप नोट कर लीजिए बच्चों यहाँ तक, फिर हम यहाँ ब्लॉक डायग्राम को हटाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ जब बच्चों हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज का करते हैं तो पहले तो हम देखो कर्व किस तरीके से बनाएंगे। इसमें इसका कर्व है, रिवर्स का कर इस तरीके से बनता है, जस्ट अपोजिट बनता है, माइनस एक्स और माइनस वाई में आपको बनाना होता है रिवर्स बायसिंग का कर। यहाँ एक्स एक्सिस पर हम रिवर्स वोल्टेज ले रहे हैं जो वोल्ट में मेजर हो रहा है, यहाँ करंट हम ले रहे हैं रिवर्स करंट जो माइक्रो एमीटर में यहाँ अपने पास मेजर हो रहा है। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और रीडिंग्स आप नोट करते हैं तो इस तरीके से कुछ रीडिंग्स आपको प्राप्त होती हैं। ये वोल्टेज है वोल्ट में और ये करंट है अपने पास में रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर में। जब आप वोल्टेज बच्चों जीरो लेते, कोई वोल्टेज नहीं देते, तो करंट भी आपके पास जीरो रहेगा। करंट भी अपने पास ये जीरो हो गया। ठीक है, जीरो पर जीरो अपने पास है। आपने बच्चों यहां वोल्टेज किया कितना? वन। करंट आएगा वन माइक्रो एम्पियर। आपने वोल्टेज इंक्रीज किया
कितना 2, और आप देखेंगे वहां रिजल्ट करंट अभी भी कितना आएगा 1। आपने वोल्टेज इंक्रीज किया कितना 3, और आपने देखा कि अभी भी आपके पास क्या हो रहा है, करंट कितना आ रहा है अपने पास 1। आपने वोल्टेज कितना किया बच्चों 4, अभी भी आप देखेंगे करंट कितना आया 1। सडनली आपने वोल्टेज और बढ़ा दिया बच्चों 5 वोल्ट। हम एक आइडिया दे रहे हैं आपको कि किस तरीके से करंट में वहाँ वेरिएशन आपको दिखाई देगा। तो करंट आएगा बच्चों सडनली 10, 20, 30, कितना भी, मतलब बहुत ज़्यादा आएगा। अब सडनली करंट यहाँ है, एक फिक्स करंट स्टार्टिंग में अपने पास आता है, लेकिन बाद में एक यहाँ देखा जा रहा है कि एक फिक्स वोल्टेज के बाद में यहाँ करंट क्या हो जाता है अपने पास में, स्पीडली इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सपोज बच्चों ये करंट 1 है, ये वोल्टेज 1 है, ये वोल्टेज 2 है, ये वोल्टेज 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यहाँ ये 1 एम्पियर है, ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर सॉरी, यहाँ ये 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, लेकिन जैसे 5 वोल्ट आया तो करंट स्पीडली इंक्रीज हो गया अपने पास में। यानी इसमें बच्चों इस तरीके से कर्व चलता है अपने पास में, ये इस तरीके से कर्व अपने पास आता है। एक सडनली एक फिक्स वोल्टेज पर या एक फिक्स वोल्टेज पर अपने पास में करंट स्पीडली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इस करंट का स्पीडली इंक्रीज होने का क्या रीजन है, इस स्पीडली यानी यहाँ हम ये देख सकते हैं कि अब यहाँ वोल्टेज क्या हो चुका है बच्चों, डाउन हो चुका है, या वोल्टेज नहीं बढ़ रहा, करंट बढ़ रहा है। तो वोल्टेज डाउन हुआ, अभी रीजन की बात हम करेंगे, तो इसको ये डाउन हो चुका है, तो बच्चों इसको ब्रेक डाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन हम दो टाइप से पढ़ेंगे, ब्रेक डाउन के बच्चों दो रीजन होते हैं, एक होता है एवलांसी इफेक्ट या एवलांसी ब्रेक डाउन, और एक होता है बच्चों जीनर ब्रेक डाउन। तो दो टाइप से यहाँ ब्रेक डाउन वोल्टेज में होता है, यहाँ करंट स्पीडली इंक्रीज होता है, तो उसके मैंने दो इफेक्ट बताए, दो रीजन मैंने बताए ब्रेक डाउन होने के, और वह है एवलांसी इफेक्ट या एवलांसी ब्रेक डाउन, और सेकेंड होता है अपने पास में जीनर ब्रेक डाउन, जेनर या जीनर ब्रेक डाउन या जेनर इफेक्ट, जिसको बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि ये ब्रेक डाउन क्यों हो रहा है, इसके रीजन को हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन वो डिटेल से रीजन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, अब यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ बच्चों हम देख पा रहे हैं कि जो ब्रेक डाउन हो रहा है उससे पहले जो करंट आ रहा है वो एक फिक्स है, फिक्स अपने पास करंट रहता है। इस करंट को बच्चों हम रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, रिवर्स सैचुरेशन करंट हम बोलते हैं। तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट अपने पास होता है, तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ बहुत कम करंट अपने पास स्टार्टिंग में रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वोल्टेज यदि आप देते हैं तो करंट भी यहाँ स्पीडली इंक्रीज इसमें हो जाता है। यानी हमने क्यू पॉइंट के बेसिस पर ये चीज़ें डिस्कस कर ली है कि वास्तव में हम नोट्स जब लिख रहे हैं तो उस नोट्स में हम हर पॉइंट्स को लिख सकते हैं, और साथ के साथ हम इसके जो करेक्टरिस्टिक्स कर्व है हम उसका भी स्टडी यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मैं एक तो इनके डायोड की बात, सॉरी इनके रेसिस्टेंस की मैं बात करूंगा, जो भी रिवर्स बायसिंग में, और जो अपने पास में फॉरवर्ड बायसिंग में जो रेसिस्टेंस अपने पास आते हैं हम उनकी बात करेंगे, और उससे नेक्स्ट क्लास में हम जो ब्रेकडाउन अपने पास हो रहा है किन वजह से हो रहा है उसके दो इफेक्ट की हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।